मित्रों आज अपने पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन और उसमें पढ़ने वाले हैं हु, हूज, हुम, वेन, वेयर, विच। तो जो राजस्थान बोर्ड या RBSC के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं वो मुख्यतः यही आते हैं। तो इनका प्रयोग वाक्यों में कैसे करना है और किस प्रकार जो सेंटेंस है वो आएंगे, एक एक को करते हैं हल। सबसे पहले अपने देखते हैं हु को। हु का मतलब होता है जो और जो की, और जो सेंटेंस आएगा जैसे इसमें दे रखा है आई नाउ द बॉय ही प्लेड फुटबॉल। आई नाउ द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ, ही प्लेड फुटबॉल, जो फुटबॉल खेलता था। अब अपने इसकी थ्योरी समझते हैं। आई वी यू दे ही सी, आई वी यू दे ही सी, इनमें से कोई भी प्रोनाउन यदि दूसरे सेंटेंस में आता है सेकंड सेंटेंस में तो उसकी जगह अपने को हु का प्रयोग करना है। आई वी यू दे ही सी, इसको तो हटा देना है, इन प्रोनाउन्स को हटाकर उसकी जगह अपने को हु का प्रयोग करना है। तो अपने दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, ये दो सेंटेंस हैं, पहला आई नाउ द बॉय और दूसरा ही प्लेड फुटबॉल। ही प्लेड फुटबॉल के अंदर इनमें से आया है ही प्रोनाउन। अब ही किसके लिए आया, ही आया द बॉय के लिए, किसके लिए, द बॉय के लिए, ही आया द बॉय के लिए। तो अपने ही को हटाकर इसकी जगह हु लगाना है, इसकी जगह लगाएंगे हु, जो या जो की, इसको हटा के हु लगा के और बाकी सेंटेंस दोबारा लिख देना है। आई नाउ द बॉय, उसके बाद ही की जगह अपने हु लगाया, हु और प्लेड फुटबॉल, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम लिख देना है। इस प्रकार हु का प्रयोग होगा और एक जो सेंटेंस है वो दूसरे प्रकार से भी आता है, वो कैसे, यानी ये सेंटेंस है रमेश कुमार लिव्स इन बीकानेर, ही इज ए टीचर। अब इसमें वैसे ही देखना है अपने को, दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन आया ही, लेकिन ही यहाँ पे किसके लिए आया, ही आया रमेश कुमार के लिए, किसके लिए, रमेश कुमार के लिए, क्योंकि रमेश कुमार इसका सब्जेक्ट है, जो पहला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट है, तो इसलिए अपने को दूसरा जो सेंटेंस है इस सब्जेक्ट के बाद में लिखना पड़ेगा। पहले अपने ही को हटाकर इसकी जगह लगाएंगे हु, अब अपने को मिल गया हु इज ए टीचर, हु इज ए टीचर, दूसरा जो सेंटेंस है वो हो गया हु इज ए टीचर। अब इस सारे सेंटेंस को अपने लिखेंगे रमेश कुमार के बाद में, किसके बाद में, रमेश कुमार के बाद में, क्योंकि यह जो ही आया है वो आया है रमेश कुमार के लिए, ही किसके लिए आया है, रमेश कुमार के लिए। रमेश कुमार के बाद में अपने हु इज ए टीचर, हु इज ए टीचर, वो पूरा जो सेंटेंस है वो लिख दिया। उसके बाद अपने को जो बाकी पहला सेंटेंस बचा है वो लिखना है, रमेश कुमार हु इज ए टीचर लिव्स इन बीकानेर, रमेश कुमार हु इज ए टीचर लिव्स इन बीकानेर। पहला जो सेंटेंस है रमेश कुमार लिव्स इन बीकानेर, रमेश कुमार बीकानेर में रहता है, ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। दूसरा सेंटेंस अर्थ वही है, वही है, रमेश कुमार हु इज ए टीचर, रमेश कुमार जो कि एक अध्यापक है, लिव्स इन बीकानेर, बीकानेर में रहता है। तो इस प्रकार हु का प्रयोग अपने समझा, आप समझते हैं हुज का, जिस तरह हु का किया वैसे ही हुज का प्रयोग होगा। हुज का मतलब होता है जिसका और जिसकी, जिसका और जिसकी, हिज हर देयर माई ओवर यूवर, ये सारे जो प्रोनाउन हैं इनको हटाकर इनकी अपने हुज का प्रयोग करेंगे, ये सारे प्रोनाउन हट जाएंगे और उसकी जगह हुज का प्रयोग होगा। अब इसको समझते हैं अपने, आई मेट ए बॉय हिज आर्म वाज ब्रोकन, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो है हिज, और हिज आया ए बॉय के लिए, हिज आया बॉय के लिए, तो हिज की जगह अपने को लगाना है हुज, हिज की जगह अपने किसका प्रयोग करेंगे, हुज, हुज का प्रयोग करके दूसरा जो सेंटेंस है वो बन गया हुज आर्म वाज ब्रोकन, हुज आर्म वाज ब्रोकन, जिसकी
बाजू टूट गई थी, जिसकी बाजू टूट चुकी थी या गई थी। अब अपने को पहला जो सेंटेंस है वो पूरा लिख देना, आई मेट ए बॉय, आई मेट ए बॉय। हिज को अपने हटा दिया, उसकी जगह हुज लगा के और दूसरा सेंटेंस पूरा लिखना है, हुज आर्म वाज ब्रोकन। आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला जिसकी बाजू टूट गई थी, वहाँ टूट गई थी। आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला जिसकी बाजू टूट गई थी, तो हुज का मतलब भी जिसका और जिसकी हो गया। हिज के स्थान पर अपने हुज का प्रयोग किया। इसी प्रकार हिज की जगह यदि हर, देयर, माई, यूअर, ओवर इनमें से कोई भी प्रोनाउन आता है तो इसको हटाकर उसकी जगह हुज का प्रयोग करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता प्ले चेस, हर सिस्टर इज ए नर्स। सीता चेस खेलती है, उसकी बहन एक नर्स है। तो इसके अंदर भी अपने को देखना है दूसरे सेंटेंस का प्रोनाउन, तो इसमें है हर प्रोनाउन। हर किसके लिए है? हर आया सीता के लिए। तो अब अपने को हर की जगह प्रयोग करना है हुज का। हर की जगह लगा दो हुज। हर सिस्टर इज ए नर्स, हर की जगह लग गया हुज। हुज सिस्टर इज ए नर्स, ये सेंटेंस बन गया, हुज सिस्टर, सिस्टर इज ए नर्स। अब हर किसके लिए है? सीता के लिए। तो सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा सीता, क्योंकि सीता के लिए हर आया, तो पूरा जो दूसरा सेंटेंस है वो उसके बाद में लिखेंगे। ये वाला यहाँ पे सीता हुज सिस्टर इज ए नर्स, सीता हुज सिस्टर इज ए नर्स। उसके बाद अपने को जो पहला सेंटेंस है उसका बचा हुआ पार्ट लिखना है, प्लेज चेस। सीता जिसकी बहन एक नर्स है, चेस या शतरंज खेलती है। नेक्स्ट समझते हैं होम। होम का मतलब है जिसको, तो इसकी जगह अपने को मी, अस, यू, देम, हिम, हर को हटाना होगा। मी, अस, यू, देम, हिम, हर, ये प्रोनाउन यदि किसी वाक्य में आते हैं तो उसको हटाकर उसको हटा देना है, लेकिन होम का प्रयोग जिसके लिए होगा उसके आगे वो पूरा सेंटेंस लिखना है। कैसे? ही मेट ए डॉक्टर, ही मेट ए डॉक्टर, आई नाउ हिम, वह एक डॉक्टर से मिला जिसको मैं जानता था, जिसको मैं जानता हूँ। तो इसमें हिम आया है, और हिम आया किसके लिए? ही मेट ए डॉक्टर, आई नो हिम, हिम आए डॉक्टर के लिए। तो अपने को यहाँ पे हिम को हटा देना है, लेकिन जो पहला सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस है उसके आगे होम लगाना है। यहाँ पे जो बनेगा दूसरा जो सेंटेंस है वो होम, आई होम, होम आई नो, होम आई नो बनेगा। हिम को हटा देना है, कहने का मतलब जो होम है वो दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले लगेगा, और हिम, हर, देम, यू, अस, मी इनमें से कोई भी प्रोनाउन आता है उसको हटा देना है अपने को। इतना करने के बाद अब अपने देखना है जो हिम है इसको तो दिया हटा, और वो आया डॉक्टर के लिए। हुम आई नाउ, हुम आई नाउ, ये वाक्य दूसरा बन गया है, ही मेट ए डॉक्टर, ही मेट ए डॉक्टर। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है उसी तरह अपने को लिख देना है, हुम आई नाउ। विच हैज मैनी पिक्चर्स, वो पहले सेंटेंस में, पहले सेंटेंस उसके आगे सेम टू सेम लिखना, आई हैव ए स्टोरी बुक विच हैज मैनी पिक्चर्स। यदि आपको वीडियो अच्छा